अच्छा अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है पीएचपी के अंदर पासिंग पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस, ठीक है। मतलब फंक्शंस को जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं और नॉन पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं। मतलब ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स हम बनाते हैं और ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर्स नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये कह रहा है ऐसे फंक्शन जिनको हम जिनके पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस मतलब हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम अपने फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, मतलब वैल्यू देते हैं फंक्शन को और वो वैल्यू प्रोसेस कौन करता है, हमारे फंक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, पीएचपी सपोर्ट्स पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन, ठीक है। मतलब पीएचपी इस चीज को सपोर्ट करता है कि आप फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन आर एज फॉलोज, मतलब कितने तरीकों से हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। पहला, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। दूसरा, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस, ठीक है। अब देखो रेफरेंस यहाँ पे किसको कह रहा है, इसको जरा समझना भाई। देखो जब भी हम भाई देखो आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी तो वेरिएबल्स होते हैं ना, ठीक है। मतलब हम फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं ना। वो होते क्या है बेसिकली, वो तो वेरिएबल्स ही होते हैं ना। लेकिन अब आपको पता है जब भी वेरिएबल में हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब जब भी हम एक वेरिएबल को अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उस मेमोरी का कोई एड्रेस भी होता है, ठीक है। मतलब मैंने एक वेरिएबल स्टोर किया अपनी मेमोरी में ए, ठीक है। अब वो ए का कोई एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में रहता हूं, उस घर का एक एड्रेस है, ठीक है। मतलब समझ लो मैं एक वेरिएबल हूं, मेरा एक एड्रेस है, ठीक है। अब वो एड्रेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल गुलशन झील पार्क साइट एरिया, मतलब ये क्या है, ये मेरा एड्रेस है। तो जो वेरिएबल बनता है मेमोरी के अंदर, हर वेरिएबल का एक अलग मेमोरी एड्रेस होता है, उस मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जा रहा है, रेफरेंस कहा जा रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट क्लियर हो जाए यहाँ पे। फिर तीसरा है सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ये हमने किया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने डिफॉल्ट वैल्यूज पैरामीटर्स की सेट की थी। मतलब अगर हम अपनी कोई वैल्यू नहीं देंगे तो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू कॉल हो जाएगी, सही है। ये हमने किया था, इसको आज दोबारा रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द फंक्शन डेफिनेशन डिटरमाइंस द मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। मतलब जब आप फंक्शन बनाते हो ना, तब आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस कर रहे हो, या डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा रहे हो, ठीक है। ये आप फंक्शन की डेफिनेशन में बनाते हो, बताते हो जब आप उसको डिक्लेयर करते हो, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले में, पास बाय वैल्यू, ठीक है। पास बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब देखो पास बाय वैल्यू की थ्योरी समझाने से पहले मैं इसकी डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, शो। उस फंक्शन के अंदर क्या है, एक पैरामीटर मैंने दिया, मतलब एक आर्ग्यूमेंट है, जो के मतलब ये आपके पास जो मेथड है ये पैरामीटराइज मेथड है। मतलब जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो लाजमी आपने कोई आर्ग्यूमेंट इसको देना है, ठीक है। अब जब जो आप आर्ग्यूमेंट दोगे वो आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 10। मतलब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 दी है, वो 5 मेरे फंक्शन के अंदर आके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अब इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, ठीक है, कॉल किस तरह से कर रहा हूं उसको देखना। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका क्या नाम रखा, बी, और उसको वैल्यू क्या दी, 5। और ये 5 वैल्यू कहां पे पास कर दी, अपने शो के मेथड में। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है ये मैंने कहां पे पास कर दिया, इस ए को पास कर दिया, समझ रहे हो। मतलब मैंने बी का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या वैल्यू है, 5। मतलब वो 5 कहां पे जाके स्टोर हो गया, ए में जाके स्टोर हो गया, और फिर उस ए को मैंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब 5 से मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। इसका मतलब यहां पे ये तो लाइन ब्रेक है,
यहां पे मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, 10 रिजल्ट प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब सेकेंड लाइन पे मैं शो के मेथड को कॉल कर रहा हूं ना, इसके मेथड में मैंने पास क्या किया था 5, लेकिन मेरे मेथड ने, मेरे फंक्शन ने उस 5 को मॉडिफाई करके क्या कर दिया, 10 कर दिया, और यहां पे मुझे रिजल्ट क्या प्रिंट हो गया, 10, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइन ब्रेक दिया, फिर जब मैंने यहां पे ये वाला वेरिएबल दोबारा कॉल किया, तब मुझे रिजल्ट क्या मिला, 5 ही रिजल्ट मिला, समझ रहे हो। मतलब जब मैंने ये 5 अपने मेथड को कॉल किया था, तो मेथड ने मेरे 5 को क्या कर दिया था, 10 कर दिया था, लेकिन जब मैंने लाइन ब्रेक देकर इसी वेरिएबल को दोबारा कॉल करवाया, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, 5 ही रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, जब हम वेरिएबल मैंने बनाया, कौन सा वेरिएबल, बी, इसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 5, ठीक है। अब पास बाय वैल्यू में क्या होता है, देखो ये जो 5 है ये मैंने किसको पास किया था, अपने शो के मेथड को पास किया था, मतलब ये जो 5 है ये कहां पे मैंने पास कर दिया था, इस ए के आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर दिया था। लेकिन अब समझना, ये जो 5 है, मतलब ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था बी जिसके अंदर 5 स्टोर हुआ है, इसकी एक कॉपी कहां पे चली गई, मेरे मेथड के आर्ग्यूमेंट के पास। मतलब ये 5 है ना, इसकी एक दूसरी कॉपी बनी, और वो दूसरी कॉपी कहां पे चली गई, मैंने अपने मेथड को पास कर दी, अपने फंक्शन को पास कर दी। मतलब ये 5, इसकी ये वाली कॉपी कहां पे आ गई, मतलब जो न्यू कॉपी बनी थी वो यहां पे आ गई। अब उस कॉपी के अंदर मैंने चेंजिंग क्या कर दी, 5 से उसको 10 कर दिया, ठीक है। तभी ये लाइन मुझे क्या प्रिंट करवा रही थी, 10 प्रिंट करवा रही थी। लेकिन जब मैं ये वाला बी का वेरिएबल कॉल कर रहा हूं, इसकी कॉपी में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई ना, इसकी कॉपी में क्या था, 5 था, तो यहां पे मुझे रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है, 5 ही प्रिंट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू। मतलब जब आप फंक्शन में पास बाय वैल्यू के थ्रू वैल्यू पास करते हो, तो आपके वेरिएबल की एक कॉपी बनती है और वो आपके मेथड को पास होती है। मतलब ये वाला पूरा का पूरा वेरिएबल उठ के आपके आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता, इसकी एक कॉपी जाती है। तभी जब मैं यहां पे कॉल कर रहा था, तो यहां पे मुझे 10 रिजल्ट प्रिंट हो रहा था, लेकिन जब मैं यहां पे कॉल कर रहा था, तो वो इस वेरिएबल को कॉल कर रहा था और यहां पे मुझे 5 रिजल्ट प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊं, ठीक है, न्यू फाइल यहां पे बनाते हैं, ठीक है, इसको सेव करता हूं मैं, ठीक है, और हम आ जाते हैं अपने वैम्प के फोल्डर में, ठीक है, इसके अंदर WW का फोल्डर, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका नाम हम रख लेते हैं जस्ट pass.php, ठीक है, सेव करते हैं इसको, और बेसिक कोड चाहिए HTML का, HTML:5 टैब, और यहां पे मैं PHP का सिंटैक्स ओपन करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पे बना रहा हूं एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूं फॉर एग्जांपल शो, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला वेरिएबल पैरामीटराइज, मतलब एक पैरामीटराइज मेथड है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल बना लिया ए, और अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब लाजमी मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा इसको, और उस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 10, सही है, और फिर इसी 10 को मैं क्या करवा रहा हूं, एको करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब इस फंक्शन को मुझे करना है कॉल, क्या करना है, कॉल, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं बी, और उसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूं, 5 पास कर रहा हूं, और जब मैं ये वाला मेथड पास करूंगा, मतलब कॉल करूंगा, तो अब ये पैरामीटराइज मेथड है ना, इसका मतलब इस ए के अंदर मुझे कोई वैल्यू देनी है, तो अब उस वैल्यू की जगह मैं क्या पास कर दूंगा, ये बी पास कर दूंगा। बी के अंदर क्या है, 5 है, मतलब ये 5 किसके पास चला गया, मतलब यहां पे ये जो बी वेरिएबल है ना, इसकी एक अलग से कॉपी बनी, और वो कहां पास कर दी मैंने, अपने शो के मेथड को, मतलब इसकी एक फ्रेश कॉपी बनी है, एक अलग कॉपी बनी, और वो किसको पास हो गई,
ए और इसके अंदर क्या स्टोर हो गया फाइव, और अपने मेथड के अंदर मैंने उस फाइव की जगह क्या मॉडिफाई कर दिया टेन, और वो टेन प्रिंट हो गया। इसका मतलब इस लाइन पे मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, टेन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब मैंने इस वेरिएबल की एक अलग कॉपी यहां पे भेजी थी उस कॉपी के अंदर अब क्या स्टोर हो चुका है, टेन स्टोर हो चुका है, और वो टेन मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब मैं यहां पर इसको कॉल करूं, ठीक है, मतलब मेरा फंक्शन इसको कॉल करते हैं, और यहां पे इसका हमने नाम रखा है पास डॉट पीएचपी, एंटर करते हैं इसको, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, टेन रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहां पे बी की जो फ्रेश कॉपी मैंने यहां पे पास की थी, मतलब इस ए के पास पास की थी, उसने टेन कर दिया और टेन मुझे इस लाइन पे प्रिंट हो गया। लेकिन अब देखो ये जो बी है इसकी एक अलग कॉपी है मेमोरी में, और ये जो मैंने अपने मेथड को पास किया था, मतलब जो ए के पास आया था, उसकी एक अलग कॉपी है। तो अगर मैं यहां पे एक हम लाइन ब्रेक देते हैं, ठीक है, बी आर, ठीक है, और अब मैं यहां पे एको करवाता हूं ये बी का वेरिएबल, ठीक है, सही है, मतलब बी का वेरिएबल मैं यहां पे एको करवा रहा हूं। मतलब देखो इसके लिए तो एक अलग कॉपी थी ना, उसके अंदर तो फाइव ही स्टोर है, ठीक है, टेन कौन सी वैल्यू हुई थी जिसकी कॉपी मैंने यहां पे भेजी थी, वो टेन हुई थी बस, क्योंकि इसकी तो एक अलग कॉपी है ना, मैं सिर्फ इसको कॉल कर रहा हूं। तो यहां पे इस लाइन पे मुझे फाइव प्रिंट होगा, लेकिन इस लाइन में क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन ने मेरी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, टेन। तो अगर मैं यहां पे रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे इस लाइन पे क्या रिजल्ट मिलेगा, फाइव। इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है, फाइव रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे पास बाय वैल्यू में होता क्या है, मतलब जो वैल्यू मैं अपने पैरामीटर अपने आर्ग्यूमेंट में फॉर एग्जाम्पल पास करता हूं वो उसको परमानेंटली मॉडिफाई नहीं करता, परमानेंटली मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ टेम्पररी मॉडिफाई करता है, ठीक है। क्यों, उसकी वजह क्योंकि इस वेरिएबल की एक अलग से कॉपी जा रही है हमारे मेथड के पास, ठीक है। ये होता है आपके पास पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर अब मैं यहां पे आऊं, ठीक है, अब इसकी थ्योरी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो देखो पासिस एन आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू इन दिस यू आर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द डेटा, मतलब यहां पर जो मैंने वेरिएबल बनाया था बी इसकी एक अलग कॉपी बनी और वो कहां पे चली गई, हमारे इस ए के पास चली गई, और उस कॉपी के अंदर मैंने डेटा चेंज करके डिस्प्ले करवा दिया। मतलब यहां पे ये जो फंक्शन मेरा डेटा मॉडिफाई कर रहा था वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसका, ठीक है। ये पॉइंट है पास बाय वैल्यू का, ठीक है। तो यहां पे भी यही कह रहा है, इन दिस यू आर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द डेटा, मतलब चेंजेस डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि जो हम चेंजिंग करवा रहे हैं वो उस वेरिएबल की एक कॉपी के साथ करवा रहे हैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं करवा रहे, ठीक है, तभी उसकी एक्चुअल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास थी ये बी जिसके अंदर फाइव स्टोर था, तो जब मैं इसको कॉल करवा रहा था तो यहां पे हमें फाइव ही प्रिंट हो रहा था, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इसके ऊपर पास बाय रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। अब इसकी भी पहले मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूं। अब देखो यहां पे मैंने दोबारा उसी तरह मेथड बनाया, लेकिन अब एक चेंजिंग की है मैंने, मैंने जो वेरिएबल बनाया था उससे पहले मैंने क्या पास कर दिया है, एम परसेंट। अब ये एम परसेंट मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मेमोरी क्रिएट होती है उसकी कोई ना कोई एड्रेस बनता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल वो मैं एड्रेस आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो वो जो एड्रेस स्टोर होता है वो हमारे पास हेक्सा वैल्यू के अंदर स्टोर होता है, और हेक्सा वैल्यू कुछ इस तरह से नजर आती है, ठीक है। मतलब हर मेमोरी ब्लॉक का एक हेक्सा कोड आपके पास जनरेट होता है जिसको मेमोरी एड्रेस कहा जाता है, ठीक है, वो इस तरह का दिखता है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे अब मैंने एक फंक्शन बनाया, अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो उसकी कॉपी नहीं आएगी बल्कि पूरा का पूरा वेरिएबल उठ के यहां पे आएगा, ठीक है। देखो मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन वही काम कर रहा है,
इसके पास जो भी वैल्यू आएगी वो उसको मॉडिफाई कर देगा और उसकी वैल्यू 10 सेट करके प्रिंट करवा देगा। अब इसको कॉल करना है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे उसी तरह एक वेरिएबल बनाया बी, ठीक है, और ये बी मैंने पास कहाँ पे कर दिया, अपने मेथड को पास कर दिया। इसका मतलब ये बी मैंने कहाँ पे पास कर दिया, इस आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। लेकिन अब ये जो बी है ना, ठीक है, इसके लिए जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा इसकी कॉपी सेंड नहीं होगी यहाँ पे, बल्कि ये पूरा का पूरा एड्रेस उठ के कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। मतलब मैंने बताया था ना, मेमोरी ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होता है, वो एड्रेस पास कहाँ पे हो जाएगा, मेरे इस आर्ग्यूमेंट में, मेरे इस पैरामीटर के अंदर पास हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा वेरिएबल है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ये मैंने उठा के किसको दे दिया, अपने मेथड के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को दे दिया। इसका मतलब कि मेथड इसके अंदर जो भी चेंजिंग करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी क्या पास हो रहा है, 5 पास हो रहा है ना, तो मेरा मेथड क्या कर देगा, उस 5 को 10 कर देगा। तो जब मेरा मेथड इस 5 को 10 कर देगा, तब इसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, मतलब ये वाला वेरिएबल भी 5 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एड्रेस पास किया था, मतलब पूरा का पूरा बॉक्स मैंने उठा के यहाँ पे पास कर दिया। और जब उस मेथड ने हमारे वेरिएबल को जो मैं पास कर रहा हूँ उसको चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट मेरे ओरिजिनल वेरिएबल में भी होगा। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे ये लाइन जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो इस लाइन पे मुझे क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, 10। लेकिन जब मैं यहाँ पे इस बी के वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, तो यहाँ पे भी 5 की जगह क्या हो चुका होगा, 10 हो चुका होगा। तो मतलब शो की लाइन में भी मुझे 10 प्रिंट होगा, और ये जो एको डॉलर बी की लाइन है यहाँ पे भी मुझे 10 प्रिंट होगा। सिर्फ एक चेंजिंग की थी मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था, आर्ग्यूमेंट में एम परसेंट लगा दिया था। मतलब अब ये कॉपी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, मतलब वो पूरा का पूरा वेरिएबल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसका जो मेमोरी एड्रेस है। इसका मतलब अगर मैं इस ए के वेरिएबल के साथ जो भी चेंजिंग करूंगा, वो डायरेक्ट मेरे जो वेरिएबल बना है उसके एड्रेस पे इंप्लीमेंट होगा, मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, देखो अब यहाँ पे मुझे जस्ट एक चेंजिंग करनी है, ये डॉलर ए है ना, इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, एम परसेंट। तो इसका मतलब अब देखो, यहाँ पे ये जो बी मैंने बनाया, इसके अंदर क्या है, 5 है ना, तो जब ये बी का वेरिएबल इस मेथड के पास जाएगा, मतलब कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये फंक्शन क्या कर देगा, उस 5 को 10 कर देगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वो 10 कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जिस एड्रेस पे स्टोर था, उसी एड्रेस पे वैल्यू मैंने क्या मॉडिफाई कर दी, 10 कर दी। तो इसका मतलब इस लाइन पे भी मुझे 10 प्रिंट होगा, और इस लाइन पे भी मुझे क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं, ठीक है, और यहां पे आके अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करूं, तो अब देखो दोनों जगह 10-10 आ रहा है। क्योंकि देखो अक्सर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यूज क्यों होता है, देखो अक्सर हमारे पास ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम जो फंक्शन को वैल्यू पास कर रहे हैं, और वो फंक्शन जो भी डेटा मॉडिफाई कर रहा है, वो हमें फर्दर यूज करना होता है, तभी हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं यहाँ पे कमेंट, सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पास बाय रेफरेंस की ये देखते हैं थ्योरी, पासिस एंड आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस। इसका मतलब जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना, मतलब जो वेरिएबल पास करते हो, उसकी कॉपी नहीं जाती, उसका पूरा का पूरा वो जो एड्रेस होता है मेमोरी का, जो रेफरेंस होता है, वो उठ के उसके पास जाता है। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन कोई मॉडिफिकेशन करेगा, तो वो मॉडिफिकेशन उसका जो आउटसाइड वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। मतलब जो वेरिएबल आप आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हो, और अगर वो मॉडिफाई हो गया फंक्शन के अंदर, तो उसके ओरिजिनल वेरिएबल में भी इफेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट है पास बाय रेफरेंस, मतलब मैं उसका रेफरेंस पास करता हूं अपने फंक्शन को, वेरिएबल का रेफरेंस पास करता हूं, मेमोरी एड्रेस पास करता हूं, उसकी कॉपी पास नहीं करता, कॉपी पास होती है पास बाय वैल्यू के अंदर। फिर देखो इन दिस
यू आर पासिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड, मतलब जहां पे आपका वेरिएबल बना हुआ है उसका रेफरेंस, उसका मेमोरी एड्रेस आप मेथड को पास कर रहे हो। इसका मतलब कि अगर मेथड आपके वेरिएबल को चेंज कर रहा है, उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो वो आपके मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, चेंजेस टू द वैल्यू अफेक्ट द ओरिजिनल डेटा, मतलब फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई तो वो आपके ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर भी अफेक्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहां पे तीसरी चीज थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पास बाय वैल्यू हो गया, पास बाय रेफरेंस हो गया, फिर तीसरी चीज थी सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, ये मैंने कोड कमेंट किया, मैं यहां पे एक और फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल मिनिमम एज। क्या रख रहा हूं? मिनिमम एज। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं एज, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूं 20। ठीक है, और यहां पे आके इस वेरिएबल को मैं क्या करवा लेता हूं, कॉल करवा लेता हूं। क्या नाम था इस वेरिएबल का? एज। ठीक है, मतलब देखो मैं यहां पे इस मेथड को कॉल करता हूं, इस मेथड का क्या नाम है? मिन एज, मिनिमम एज। इसके अंदर अगर मैं अभी कुछ भी पास ना करूं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 20, वो मुझे एको हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आके इसको सेव करूं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें, यहां पे क्या रिजल्ट आ रहा है? 20। हालांकि ये मेथड एक आर्ग्यूमेंट लेता है, लेकिन अगर मैंने उसे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 20। लेकिन अगर मैं यहां पे वैल्यू दे दूं 25, तो अब डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि जो मैंने वैल्यू अपने आर्ग्यूमेंट को दी थी वही वैल्यू मुझे प्रिंट होगी। अगर मैं इसको सेव करूं तो अब देखना है आपको, अब रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 25। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और यहां पे फॉर एग्जांपल एक मैं फंक्शन बनाता हूं, इसको मैं कहता हूं गेट नेम। क्या कह रहा हूं? गेट नेम, और इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं नेम। ठीक है, और नेम की डिफॉल्ट वैल्यू में क्या सेट कर देता हूं? एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, और यहां पे ये वेरिएबल मैं क्या करवा लेता हूं? एको करवा लेता हूं। ठीक है, और अब अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं गेट नेम, ठीक है, और यहां पे अगर मैं अभी कोई नाम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं देता तो डिफॉल्ट वैल्यू मुझे क्या नजर आएगी? एनोनिमस। ठीक है, मैं यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो क्या आ रहा है? एनोनिमस। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अपना नाम दे दूं आदिल, तो अब एनोनिमस प्रिंट नहीं होगा, बल्कि क्या प्रिंट होगा? जो मैंने वैल्यू उसको दी है। इसको सेव करते हैं और यहां पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखो आदिल। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं। ठीक है, इन तीन तरीकों से हम अपने मेथड को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट था पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। क्लियर है यहां तक?